घुसपैठ को लेकर भाजपा खासी हमलावर है, तेवर तल्ख है। लोकसभा चुनाव में भी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद संथाल की सीटों पर ताज ले पाना या संथाल की सीटों पर ताल ठोक पाना मुश्किल हो गया। लेकिन इस बार भी भाजपा ने संथाल को सेंटर बनाया है। बाबूलाल मरांडी आज पाकुड़ में है, वहां उन्होंने सीधे सीधे घुसपैठ को लेकर सरकार को आड़े हाथों में लिया। उन्होंने कहा कि 1951 से लेकर 2011 तक के जनगणना के जो आंकड़े हैं, जिस तरीके से भयावह तथ्य सामने आ रहा है, डेमोग्राफी को जिस तरीके से बदला गया है, वो दहशत फैलाने वाला है। देखिए एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं क्या कुछ कहा आज बाबूलाल मरांडी ने। बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से बदली संथाल की डेमोग्राफी, जनगणना के विश्लेषण पर आएंगे भयावह तथ्य। 1951 में आदिवासियों की आबादी 44.69%, 2011 में आदिवासियों की संख्या 16% घटकर हो गई 28.11%। 1951 से 2011 के बीच 9.44% से शेष समुदाय की आबादी भी बढ़ी। ध्यान नहीं दिया गया तो आदिवासियों के लिए बनाई गई योजना सिर्फ योजना ही बनकर रह जाएगी। राज्य सरकार से एसआईटी गठित कर जांच करने की मांग। बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड हाईकोर्ट भी है सख्त, 6 जिलों के उपायुक्तों को घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा था राज्य नहीं देश का मुद्दा है घुसपैठ। विदेशी घुसपैठियों का भारत में प्रवेश हर हाल में रोकना होगा हाईकोर्ट। राज्य सरकार को घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना होगा हाईकोर्ट। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर बाबूलाल हुए लाल, संथाल की बदलती डेमोग्राफी को बनाया है निशाना। क्या कहा था पहले 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो भत्ता देंगे, प्रत्येक साल नियुक्ति होगी। लेकिन जितना भी जीपीसी हो, जीसीसी हो, जितना भी एग्जाम हुआ, सब में आपको गड़बड़ी हुई, नौकरी को बेचा जा रहा है। बड़ी तादाद में रोहिंग्या आए और संथाल परगना में, चूंकि बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर है, यहाँ आकर के लोग बसते चले गए। सरकार ने भी माना है उसको, और अभी तो हाईकोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया है। पाकुड़ जिला में 2001 में, मतलब क्या बोलते हैं, 7 लाख पॉपुलेशन थे, 7,02,000, उसमें आदिवासी 3,12,000 थे। आज आदिवासियों की, आज जो 11 में आबादी बढ़ गई, 9 लाख आबादी हुई 7 लाख से, कि गिरावट ही लगातार सीधा सीधा होते चला। अधिकारी उन्होंने क्या तो डेमोग्राफी बदल रही है। बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि संथाल में आदिवासियों की संख्या, जनसंख्या घट रही है। जातीय जनगणना की बात भी सरकार कर रही है, जातीय जनगणना अगर हो जाती है तो खुलकर सामने आ जाएगा संथाल का सच, घुसपैठ का सच। रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजेश का, राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, 1951 से 2011 को आधार मान रहे हैं बाबूलाल मरांडी, आरोप लगा रहे हैं कि इस बीच संथाल की डेमोग्राफी में भारी बदलाव आया, आदिवासियों की जनसंख्या 44.69% से घटकर 28.11% हो गई। इस बीच तो कई बार भाजपा की भी सरकार रही, घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कुछ किया था भाजपा ने राजेश? देखिए, जो
उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी, या फिर आप ये कहें कि जो एहतियात बरतने चाहिए थे भारत सरकार के द्वारा, वो अभी नहीं बरती गई और राज्य सरकार की भी लापरवाही रही है, चाहे सरकार जिसकी भी हो, चाहे बीजेपी की हो या फिर जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार हो। क्योंकि घुसपैठ कोई देखिए, ये साफ तौर पर शब्द से ही पता चलता है कि कोई इलीगली कोई कहीं प्रवेश कर रहा है, और ऐसे में जो बॉर्डर की सुरक्षा है ये निश्चित रूप से ये भारत सरकार का कंसर्न है और ये उसे ही देखना चाहिए। लेकिन जब कोई प्रवेश कर जाता है तो फिर राज्य सरकार विधि व्यवस्था के आधार पर, चूंकि यह स्टेट सब्जेक्ट माना जाता है, उसको संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। किसी भी राज्य में किसी भी विदेशी का इस तरह से प्रवेश करना और वहाँ रहना, ये बिल्कुल अवैध है, इलीगल है, और कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको गलत माना गया है और इलीगल माना गया है, तो ऐसे में कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है, बॉर्डर की सुरक्षा में सेंध लगा के ये लोग चले आते, कई ऐसे आप देखें बांग्लादेश की जो सीमा भारत से लगी है, आप वहाँ पर देखेंगे कई ऐसी जगह है जहाँ नदी है, वहाँ नदियों में नाव के माध्यम से लोग चले आते हैं। यहाँ तक कि नाव नहीं चले तो वो बांस का एक तरह से चचरी बना के वो पार कर जाते हैं रात के अंधेरे में, सुरक्षा बलों की नज़र से बचते हुए प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि राज्य सरकार काम नहीं करे। राज्य सरकार के सामने अभी जो समस्या है, यानी झारखंड में जो समस्या है, वो आज की नहीं है, वो कम से कम दो दशक पुरानी है, या उससे भी पुरानी कहें, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट तो झारखंड से कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश की नहीं लगती, लेकिन आप देखें कि पश्चिम बंगाल से लोग के रास्ते लोग यहाँ आ जाते हैं, और पाकुड़ में जो अधिक जनसंख्या हो गई है वैसे लोगों की, घुसपैठियों की, बांग्लादेशी घुसपैठियों की, वो चिंता का विषय है। ये बात सरकार भी मानती है, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय ठीक है थोड़ी राजनीति आ जाती है। बीजेपी इसी विषय को उठा रही है, आरंभ से उठा रही है, यह सही बात है कि बीजेपी की भी सरकार इस दरमियान रही है। रघुवर सरकार इस मामले में काफ़ी सख्त थे, लेकिन हठात एक बड़ी समस्या का समाधान तुरंत नहीं हो सकता, इसके लिए बड़े प्रयास करने की ज़रूरत है। आज अगर यह सरकार जातीय गणना कराना चाहती है तो उस पर इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड में किस प्रकार से डेमोग्राफी बदली है, खास तौर पर संथाल परगना में। लेकिन इन चीज़ों से वैसे दलों को कोई लेना देना नहीं है जो कहीं न कहीं जो बीजेपी की नज़रों में तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए शायद इसमें शिथिलता बरती जाती रही है, और आगे भी इस पर इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो ऐसा। लेकिन राजेश, 2011 तक के आंकड़ों की बात कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी 2011 तक के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, उसके बाद आज कम से कम 13 साल गुजर गए हैं। घुसपैठ को लेकर भाजपा इतनी मुखर तो पहले कभी नहीं रही, या इस तरीके से जो सख्ती, जिस तरीके से आवाज उठाई जा रही है इसको लेकर भी नहीं। अभी घुसपैठ को उठाने का मुद्दा, कहीं संथाल में चुनावी दांव खेलना तो नहीं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये मुद्दा आज नहीं, पहले से भी उठता रहा है। ये थी कि बीजेपी की जब सरकार थी, रघुवर सरकार थी, तो उस समय ये अपनी ही सरकार के खिलाफ क्या विषय उठाएंगे, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन उस समय भी ये चिंता का विषय रहा है, और सरकार ने, आपने देखा होगा कि धर्मांतरण विरोधी एक कानून बनाया था रघुवर सरकार में, जिसका सख्ती से पालन भी किया जा रहा था। प्रयास किए जाने अलग बात है, लेकिन उसका तात्कालिक समाधान होना ये तुरंत नहीं दिखता है। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, इस समय अभी बीजेपी विरोध में है, विपक्ष में है, इसलिए चुनाव भी आ रहा है, चुनाव की आहट देखते हुए उसे इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं राजनीति दिखती है, और वोट बैंक यानी अपना भी एक जो है इसके खिलाफ जो लोगों में एक गुस्सा दिखाने का भी प्रयास किया जाता है, लोगों को ये झकझोरने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से संथाल परगना में ये स्थिति बदल रही है, आदिवासी घट रहे हैं और एक दूसरे घुसपैठ कर जो यहाँ मुस्लिम, बांग्लादेशी मुस्लिम आए हैं, वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आपने कहा कि 2011 का आंकड़ा दिया है, तो 2011 का ही सेंसस रिपोर्ट अभी सामने है, चूंकि 2021 का तो हो नहीं पाया है, और
कोरोना कारण से यह काम नहीं हो पाया था, अब अभी तक नहीं हो पाया है, तो जाहिर सी बात है आंकड़े हमारे पास जो सरकार के बिल्कुल राजेश आंकड़े कहीं ना कहीं हमारे पास जो आंकड़े हैं मौजूद इस वक्त वो 2011 के हैं जो 13 साल पुराने हैं। लेकिन इस मामले में जो सबसे सख्त कदम है वो हाईकोर्ट ने उठाया, हाईकोर्ट ने बाकायदा झारखंड सरकार को आदेश दिया है कि कार्य योजना तैयार करके बताएं कि किस तरीके से घुसपैठियों को वापस भेज रहे हैं। और कई बार भाजपा वालों ने कई लिस्ट भी उजागर की है कि ऐसे ऐसे घुसपैठिए हैं जिन्होंने आदिवासी युवतियों से आदिवासी बेटियों के साथ शादी कर वहां की डेमोग्राफी को बदलने का काम किया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।